नाजरीन एंड वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट और मज़े में। और जिन लोगों ने मेरे फेसबुक पे जाके देखा है कि मेरी आई सर्जरी हुई है, तो मैं भी बहुत फाइन हूँ, मज़े में हूँ, ग्रेट हूँ। बस चश्मे पहने हुए कुछ अरसे तक, और जब वो चश्मे उतर जाएंगे तो फिर से आपकी जो उरूज है उसके नैना आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मज़े का है। ये पूरा हफ्ता आपसे हम दूर रहे, हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, और दिली तौर पर हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि इसीलिए मैं ज़्यादा फेसबुक पर एक्टिवेट हो गई थी कि मुझे आप लोगों से बात करनी थी। अच्छा जी, और जो आज का हमारा टॉपिक है, इंसान बदलता क्यों है। और मैं ये टॉपिक सोचा अबू ने क्यों रखा है, लेकिन जब मैं सेट पे पहुंची हूँ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इंसान सच में बदलता है। और मैं सोच नहीं सकती थी हमारे व्यूअर कैसे बदल गए। हमारे व्यूअर्स ने सुबह तक कमेंट किया कि वो आज आ रहे हैं हमारे शो पर, और ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे लोग नहीं आए और वो बदल गए कि जी हम नहीं आ सकते, ये प्रॉब्लम हो गई। तो क्या इंसान बदलता है कि सिचुएशन बदलती है, कि हालात बदलते हैं, कि इरादे बदलते हैं, कि दिल बदलते हैं, आखिर बदलता क्या है? तो ये जो कुछ भी बदलता है, मतलब अब्बू से जानेंगे कि चीज़ क्या बदलती है। आपको अगर लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बदल रहा है और आप कोई बात शेयर करना चाहते हो, हमारे लाइव शो पर कॉल करें। और आपके साथ साथ हमारी जो आज की कमिटेड ऑडियंस है जो नहीं बदलती, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और अस्सलाम वालेकुम टू यू माय फादर टू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लोग नहीं बदले, हुआ क्या आज? लेकिन एक और चीज भी पहले ही बता दूं, आज जो हमारे ऑडियंस है रास्ते में, लोग असल में थोड़ा सा यू नो, मैंने वही कहा ना, हालात बदलते, क्या बताओ क्या हुआ। अगर लोगों ने टेलीविजन देख रहे हो तो मेरे ख्याल में 5 बजे से न्यूज चल रही है, ऑयल टैंकर्स की स्ट्राइक है सारी। अब हालात हैं, तो वो इस वजह से नहीं आ रहे कि सारे रास्ते जो है वो बंद हो गए। तो इसीलिए मैंने पूछा ना कि इंसान बदलता है, हालात बदलते, दिल बदलते, बदलता क्या? हालात की वजह से इंसान बदल जाए। अच्छा चले, लेकिन हमारा जो कमिटमेंट है आपको गिफ्ट हैम्पर्स देने का, वो कभी भी नहीं बदलेगा। आज हम मदर केयर की तरफ से हमारी जो ऑडियंस आज यहाँ बैठी हुई है उसे गिफ्ट्स मिलेंगे। तो जो लोग नहीं आए उनके लिए सॉरी, लेकिन जो लोग आए हैं उनको मदर केयर की तरफ से हमारे गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। अच्छा जी अबू, बताइए कि ये जो इंसान बदलने वाली चीज़ है, फिलोसफी है, आपको लगता है कि इंसान बदलता है? अगर मैं आपसे पूछूं पर्टिकुलर, यू हैव सीन द वर्ल्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सो यू टेल मी। देखिए, पहली तो बात है, इंसान है क्या, किस चीज़ से बना है ना। हम कहते हैं इंसान में 3 चीज़ हैं, एक उसका जिस्म है, एक उसकी जान है, एक उसकी रूह है। ठीक है, रूह नहीं बदलती, ठीक है, जिस्म बदलता है, तब्दीली आती है। इसी तरह उसकी जो जान है, उस जान के साथ मुंसलिक जो उसकी सोच है या ज़िंदगी के तजर्बात हैं, वो बदलते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट है कि इंसान की चॉइसेस बदलती है, तरजीहात बदलती है, पसंद नापसंद बदलती है, और कई रिश्तों में इजहार बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी से पहले बहुत प्यार का इजहार होता था, 20 साल बाद बीवी कहती है पहले तो आप ऐसे ना थे, पहले तो आप बड़ा प्यार करते थे, अब तो टाइम ही नहीं आपके पास। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो प्यार नहीं करता, ठीक है, मगर डेफिनेटली कुछ तब्दीली आ गई है। आ गई है, ठीक है। आपकी जो बीवी वाली बात थी, उसमें पीछे जो हमारे बैठे हुए साहब, उसके मुंह पे ऐसी एक मुस्कुराहट आई है कि मैंने कहा इसको दूल्हा या बदलने का बड़ा शौक है। तुम्हारे मुंह पे क्यों मुस्कुराहट आई थी, बताओ कुछ? माइक नहीं तुम्हारे पास, माइक लो ना। क्यों तुम इतने मुस्कुराए थे इनकी बीवी वाली बात पे, कि इंसान अपनी बीवी से जो इजहार है मोहब्बत करता है उस पे, तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे थे? कोई फेसबुक पे है मेरे ख्याल में इसके साथ है। अच्छा वैसे ही बता दो, चलो बताओ कुछ बदलने पे, उसे घर वालों ने भी प्रोग्राम देखना है। उरूजी मजाक कर रही है, चलो फिर भी तुम बताओ। चलो नहीं, मैं ज़हन में क्या सोच आई जब मैंने कहा कि इंसान बदलता है, और जाहिर इंसानी रिश्तों में देखा है किसी को बदलते हुए? मैं तो बहुत सारे लोगों को देखा था बदलते हुए। एक्सीलेंट, वेरी गुड। जिनका पैसा आया था, जरूरत से ज्यादा पैसा आया, तो बहुत बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल। अच्छा, ये एक मेरा कॉन्फ्लिक्ट बड़े सारे लोगों से रहा है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें तुम्हारी बात को डिनाई नहीं कर रही, ना मैं तुमसे कोई मतलब आर्ग्यू कर रही हूँ, लेकिन एक मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट रहा है कि लोग बोलते हैं, अभी से 2 कैटेगरीज है, एक दो पार्टी है, एक गरीब एक अमीर है, जो पहले गरीब था वो अब अमीर हो गया है। तो जो गरीब वाला है वो कहते हैं यार अमीर है ना, वो अमीर होकर चेंज हो गया। वट आई हैव फेल्ट कि जो गरीब होता है वो उसका अप्रोच करने का तरीका भी बदल जाता है, फिर वो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, वो पूरी बात नहीं कर पाता, वो कहता है यार मैं इससे कुछ मांगूंगा तो कहेगा देखो ये मेरे पैसे के पीछे पड़ा है। तो वो अपनी सोच को नहीं देख रहा कि वो भी चेंज हुई है, सिर्फ आदमी चेंज है। जब आपकी सोच चेंज हुई तो उस आदमी की रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? देखिए, पहली तो बात है, चेंज जो है ना वो एक अनडिनाइबल सच्चाई है मादी दुनिया की, जो मैटर की वर्ल्ड है, मादी दुनिया है, हम जिसे कहते हैं जिस्मानी दुनिया, इसकी एक ऐसी सच्चाई है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपके जिस्म में सेल्स बदलते हैं, रिप्लेस होते हैं। ठीक है, आप देखें बचपन में आपकी शौक क्या थे, आज आपके शौक कुछ और हैं। इसी तरह इंसानी रिश्तों में, कल आप किसी से करीब ज़्यादा थे, आज आप किसी और से करीब हो। एक लड़की शादी करके एक घर जाती है, नए घर जाती है, नए रिश्ते बनाती है,
पुराने रिश्ते अपनी जगह रहते हैं मगर तरजीहात चेंज हो जाती है। जब बीवी है तो शौहर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही माँ बनी औलाद उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो इंसान के अंदर तब्दीली आती है। हम जो तीन दिन बात करेंगे वो बात की चाहते हैं हम सुनना कि आप बताएं कि आपके ख्याल में कौन कौन आपकी जिंदगी में चेंज हुआ या आप कहाँ कहाँ चेंज हुए। जिस तरह के आपने मुझे बहुत पहले बताया कि चेंज इज द ओनली थिंग व्हिच इज अनचेंज, इट इज द ओनली रियलिटी व्हिच इज अनचेंज, बिकॉज चेंज कैन नॉट बी चेंज, नथिंग चेंजेस एक्सेप्ट चेंज, नथिंग चेंजेस एक्सेप्ट चेंज। सो दिस इज द रियलिटी व्हिच इज ऑल व्हिच विल ऑलवेज रिमेन एन अनचेंज थिंग। और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं इस चेंज के हवाले से तो कॉल करें, क्योंकि जिंदगी में चेंज बहुत होते हैं। मैंने अच्छा मैं एक आपसे एक बड़ा एक चीज़ और रिवील करती हूँ आज आपको, हिप्नोसिस कैन चेंज पीपल, दैट्स व्हाट आई नो। और मेरे ख्याल में अगर आप गौर से देखें आज, नहीं नहीं वो बात ना करें लेकिन वैसे ही हिप्नोसिस कैन चेंज पीपल। अगर इंसान चेंज, देखें दो चीज़ें होती है, एक इंसान कॉन्शियसली विलिंगली कहता है कि मुझे चेंज होना है और वो चेंज होता है, ठीक है। एक हालात वाकयात इंसान को उस मोड़ पे ले आते हैं जहां उसके पास चॉइस नहीं होती एक्सेप्ट टू चेंज। अच्छा मैं आपको बात, मैंने आप मतलब सॉरी टू से ही इज माय फादर, मतलब नॉट सॉरी टू से बट ही इज माय फादर, आई एम नॉट बटरिंग, सॉरी टू से, नो नो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से समथिंग, बट गुरु तुम चेंज हो गई हो। नहीं मैं बताना चाह रही हूं 6 केजी के बाद चेंज हो गई हो। नहीं मैं बताना ये चाह रही हूं कि ही इज द बेस्ट, आई हैव सीन, आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ थेरेपिस्ट, बिकॉज ये कहते थे कि मैं तुम पे हिप्नोसिस नहीं करूं, तुम मेरी बेटी हो। वो सर्जन बहुत कामयाब सर्जन भी, वो अपने अपने बच्चे पे अगर सर्जरी करोगे तो साथ एक सेकंड के लिए काम पे गए जरूर। तो मैंने कहा नहीं आप मुझ पे हिप्नोसिस करें, नहीं किया उन्होंने 3 साल तक, ही नेवर डिड अ वेट लॉस हिप्नोसिस ऑन मी। ही डिड अ शो समवेयर एंड देन ही केम बैक एंड आई वॉज फाइटिंग विथ हिम कि यार आप मेरे पे तो करते ही नहीं। चल अच्छा यार आ जाके बैठ। मैं बैठी हूँ, आई हैव स्टॉप हैविंग कोल्ड फिजी ड्रिंक्स, आई हैव स्टॉप हैविंग पोटैटोज, आई हैव स्टॉप हैविंग आलू खत्म, आई हैव स्टॉप हैविंग ब्रेड एंड एवरीथिंग। सो यू आर द बेस्ट हिप्नोसिस हिप्नोटिस्ट हु कैन चेंज पीपल इन हिप्नोसिस एंड विदाउट हिप्नोसिस। यहाँ बैठ के हम आपको चेंज कर रहे हैं और हिप्नोसिस में जाके इन्होंने मुझे चेंज कर दिया। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक, आपकी दुआएं जी, बताइए। मैंने इस बारे में तो कुछ नहीं बोलना, खैर मुझे पता नहीं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको अपने घर पे दावत के लिए बुलाना चाहती हूँ। पक्का तुमने नहीं बदलना इस चीज के लिए? चलो मैं तुम्हारे घर पे दावत के लिए आऊंगी, शर्त है कि तुम खाना मेरी मर्जी का बनाओगी। ठीक है, अब उस खाने में आलू नहीं होगा, कोक नहीं होगा, बिरयानी नहीं होगी। डॉक्टर मोइस तो मेरे साथ आएंगे ना, मैं तो उनकी दो मुंह में उनकी बनाने जाती थोड़ी। थैंक यू, पक्का है ना आप लोग बदलेंगे? तो नहीं नहीं बदलेंगे, प्रॉमिस। चले हमारे पास डॉक्टर गजाला हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रोज? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। मजे, मौसम कैसा है वहाँ का? हाँ जी ठंड है, इस्लामाबाद तो ठंड तो होगी। हाँ अब हम देखें गर्मियों के मजे ले रहे। चले बताइए, इंसान चेंज होता है, इस तरह मौसम चेंज होता है? हाँ जी चेंज होना पड़ता है, चेंज जरूरी है लाइफ में। अब देखिए ना, एक मिनट, सबसे पहले डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा तो मैं ये कहूंगी कि चेंज होना पड़ता है, ये मजबूरी है और जरूरी भी है, और क्योंकि देखें ना अब हमारी रिक्वायरमेंट भी होती है। अब जब हम चाइल्ड होते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट और होती है, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी अगर शादी जैसे हो जाती है तो फिर हमारे पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। हम किसी की बहू हैं, हम वाइफ हैं, और हम बहन हैं, हम और भी रिश्ते होते हैं जैसे घर के, सही है। तो हमें उन सब के साथ चेंज होना पड़ता है, और ये चेंज जरूरी है अगर पॉजिटिव हो तो। और ये कहना चाहूंगी कि चेंज जो होता है वो हमेशा आपके अंदर एक पॉजिटिव साइन लाता है। और लेकिन एक मैं बात कहना चाहूंगी, अक्सर लोग डॉक्टर साहब मैंने देखे हैं जी जो चेंज नहीं चाहते, मतलब जो होते हैं कि जो जैसे मतलब उन्होंने अपना बचपन गुजारा होता है, वो चाहते हैं कि अगर वो किसी को ऑर्डर कर रहे हैं या किसी को आप वो डिग्रेड करना चाह रहे हैं तो वो उसी तरह रहते हैं। लेकिन आप आज कोई ऐसी टिप बताएं कि जिससे अगर हम किसी को चेंज करना चाहें तो फौरन कर लें,
मैं अपने हस्बैंड की बात नहीं कर रही, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। चले आप जिसकी भी बात कर रही हो उसको चेंज करने में आपकी जरूर हेल्प करेंगे, लेकिन ये हेल्प करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक पे जाएंगे हम आपका थोड़ा सा और स्टेट ऑफ माइंड चेंज करेंगे। जैसे आप वापस आएंगे तो हम आपको टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे किसी को चेंज करना, हो सकता है आज ना बताए तो कल बताए, लेकिन बातचीत जरूर रहेगी, ऑडियंस से ही बात होगी। सो यू कीप वॉचिंग एंड डोंट गो एनीवेयर बिकॉज वी आर हियर विद यू, सो कीप वॉचिंग।